हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक सिद्दीकी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे फ़ोन का कैमरा कौन से काम करता है जो कि हमको शायद नहीं मालूम है। सो दोस्तों, किस तरह से पता करना है आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गणित का जो सम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो काफी समय लग जाता है उसको सॉल्व करने के अंदर। ये चुटकियों के अंदर ये ऐप आपके सम को सॉल्व कर देगी। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको परमिशन दे देनी है। तो चलिए मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद फिर कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैंने इस सम को लिख रखा है, तो यहाँ से मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं 25 प्लस 15 तो 40 ही होता है। तो देख सकते हैं कैमरे ने ये बता दिया है। सो दोस्तों, इसी की मदद से आप किसी भी सम को चुटकियों के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर हम कहीं बाहर है और हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसको अपने कैमरे से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ लिखी हुई है। सो किस तरह से करना है, तो चलिए हम जरा गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेना है। जैसा कि दोस्तों, आपको यहाँ पर कैमरे का एक आइकन नजर आ रहा होगा, तो आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो चलिए मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का कैमरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है टेक सिद्दीकी, तो इसका आप तेलुगु के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और इसी तरह से आप कई भाषाओं के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट ये हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको फोटो ले लेता हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर बन चुका है, और ये सारे जो लिखे हुए चीज़ें टेक्स्ट सिद्धि के जो मैंने लिख रखा है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट ऑल। आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो भी वो लिख कर बता देगा कि क्या चीज़ है, और जैसा कि अगर मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो वो ये चीज़ बता देगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं टैग, मैंने टैग सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये बता देगा कि आप तेलुगु के अंदर टैग किस तरह से लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं टैग तेलुगु में इस तरह से लिखा जाता है। और अब मैं सिद्दीकी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट करूंगा तो पूरा यहाँ पर लिखकर दिखा देगा, जिस तरह के देख सकते हैं यहाँ पर टेक सिद्दीकी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे तेलुगु में दिखा रहा है कि किस तरह से आप तेलुगु में भी टेक सिद्दीकी लिख सकते हैं। सो इसी तरह से आप अपने कैमरे की मदद से किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने कैमरे की मदद से। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर हम हमारा फ़ोन यूज़ करते हैं और हमारे फ़ोन को हम यूज़ करते रहते तो हमारा ध्यान उसी के अंदर रहता है, और हमें हमारे फ़ोन के पीछे साइड क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है, वो हमें पता नहीं चलता है। सो उसको किस तरह से करना है, आपको इस एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तब वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है, और ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, तो यहाँ पर आपको सेट ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर लोडिंग होना शुरू हो जाएगा, और जैसा कि यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो अप्लाई पर ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेट टू होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद हम चलिए होम बटन पर क्लिक करके आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने फोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैमरे से आप पता भी कर सकते हैं कि उस पर क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलता हूं आपको इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।